हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम लीना है और मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। और ये ब्लॉग आज थोड़ा सा छोटा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, बस थोड़ा सा छोटा व्लॉग है, बट आई होप आप एंजॉय करेंगे। आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। ये हमारी पंजाबियों में बनाई जाती है गट्टे की कढ़ी। इसको राजस्थान में भी बनाया जाता है, पर वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, बट हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाते हैं। ये मेरी सासू माँ बनाती थी, बहुत सबको पसंद आती थी, तो उन्हीं की रेसिपी मैंने, क्योंकि मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा था। कभी बताऊंगी आपको अलग व्लॉग में कि मेरा क्या, बहुत किस एज में मेरी मैरिज हो गई थी, तो मैंने सब उन्हीं से सीखा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी, आज सुबह का नाश्ता, और काम वाम करके जाऊँगी ऑफिस। और यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था पहले से ही, और बेसन को जो है कूट के, इसके जो हम रोल से बना के ना, इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। बॉईल हो गई है या नहीं हुई वो पता करने के लिए गट्टे ना पानी के ऊपर तैरने लगते हैं जब वो पक जाते हैं, हल्के हो जाते हैं थोड़े से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो घी का होता है, जो मोइन हम बोलते हैं जिसे, तो मोइन थोड़ा सा अच्छा डालना चाहिए इसमें, तो वो थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, वरना वो हार्ड बन जाते हैं। और यहाँ पे प्याज टमाटर नॉर्मल जैसे मसाला बनाया जाता है, नॉर्मल तरीके से मैंने मसाला बना लिया है, और नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला डाल के। जब हम गट्टे को बॉईल कर लेते हैं ना, तो अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे मैं आटे में लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो बेसन और जो इसका टेस्ट होता है बेसन का, वो पानी में रह जाता है और उसके गुण भी रह जाते हैं। सो उसको थोड़ा सा मैं आटे में डाल के गूंथ लेती हूँ। नहा धो के आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए, थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद जो है पूजा करने लग गई। यहाँ मेघा ने कहा मम्मी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपको, लेट हो रहा है थोड़ा सा, आज मैं लेट हो गई सुबह। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हम डेली सेम तरीके से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं, या हमारे अंदर कोई चाबी नहीं भरी जाती कि हम डेली सेम तरीके से चलेंगे। हर बार थोड़ा सा कुछ अलग हो ही जाता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ मैंने कर ली थी। मेरे लड्डू जी ने आज कपड़े डाले हैं, किसी ने मुझे बोला था कि वस्त्र पहनाइए, मैं पहनाती हूँ। कभी मैं सुबह इनको पहना देती हूँ और कई बार मैं बाद में करती हूँ, मतलब मेरे जाने के बाद मेघा कर लेती है। तो यहाँ पे जो है मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी, चाय बना रही हूँ अपने लिए। मैं सुबह उठते ही चाय नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि सुबह खाली पेट वाली चाय पीने की आदत कभी मैंने अपने आप को डाली ही नहीं, और मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं पीने की। और यहाँ पे परांठे बना लूँगी कुछ के टिफ़िन के लिए, बेटा मेरा स्कूल जाता है उसके टिफ़िन के लिए मैं परांठे बना लूँगी। और यहाँ पे भोग लगा देगी मेघा, लड्डू को खिला देगी परांठा, जाने के लिए तैयार हो जाऊँगी, जाऊँगी ऑफिस। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लग रहे हों, प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो। और बताइएगा आप क्या देखना चाहते हैं आगे, क्या कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, या क्या क्या देखना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिएगा। बाकी मैं स्टिचिंग बहुत अच्छी करना जानती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।